नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज कुमार सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, एलएलआर मेडिकल कॉलेज, मेरठ। डॉक्टर साहब, देखने में मौसम में बदलाव हुआ है, जब से जो दिल के मरीज हैं उनके लिए काफ़ी घातक समस्याएं हो रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है? बिल्कुल, ठंड के कारण से थोड़ा सा जो दिल के मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आने लग गए हैं, खासकर ऐसे मरीज जिनको दमे की शिकायत है या जो उनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है या जिनका दिल का ताकत कमजोर है, पंपिंग कम काम कर रही है, ऐसे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही साथ एमरजेंसी में ऐसे पेशेंट जो कि सीने में दर्द लेकर के आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, और ओपीडी में भी काफ़ी पेशेंट जो कि टिपिकल सिम्टम जिनको चेस्ट पेन हो रहा है, असली भी चेस्ट पेन हो रहा है, जिनकी दिक्कत निकल रही है, ऐसे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं पिछले 2 हफ्ते से। डॉक्टर साहब, क्या आप बेहद सावधानी बरतते हैं, क्योंकि अभी एक देख रहे थे कि क्रिकेट खेलते हुए युवा की डेथ हुई है, 20 मिनट में ही 2 बार अटैक पड़ गया। देखिए, वो जो एक केस है वो एक अलग केस है, उसमें बेसिकली बच्चे का दिल काफ़ी मोटा था, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, HOCM बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में बच्चों में खासकर यूजली अगर ऐसी दिक्कत निकलती है तो धड़कन गड़बड़ होने का चांस होता है, धड़कन गड़बड़ हो गई होगी, इसको बोलते हैं VT, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हुआ होगा। ऐसे मरीजों में अटैक ना पड़ करके टैकीकार्डिया होता, धड़कन बढ़ती है, इसके कारण से बच्चों को जान का खतरा बनता है या जान की चली जाती है, तो मोस्ट लाइकली उस बच्चे में यही कारण रहा होगा। मगर जो यंग पेशेंट्स हैं, जो हमारे पास इस समय एज ग्रुप आ रही है, जो 20-30 साल के लोग आ रहे हैं, खासकर वो बच्चे जो कि स्मोकिंग करते हैं, जो कि स्मोक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसे पेशेंट चेस्ट पेन लेकर आ रहे हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा अटैक की संख्या हमें देखने को मिल रही है। तो आप कहना चाह रहे हैं जो स्मोक है अभी तो कैंसर का एक प्रमुख कारण माना जाता था, अब अटैक का भी प्रमुख कारण हो गया? बिल्कुल, अभी आप अगर इस समय पर देखिए तो आप एक आम आदमी जो कि सिगरेट नहीं पी रहा है वो भी सिगरेट पी रहा है बाहर के धुएं के कारण से, तो जो ऑलरेडी सिगरेट पी रहा है, जो दो एक पैकेट दो पैकेट मतलब ऑलरेडी सिगरेट पी रहा है, उसके लिए कितना ज्यादा घातक होगा ये, तो ऐसे पेशेंट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, खासकर हम जो अभी किस समय केस कर रहे हैं उसमें यंग पेशेंट काफी ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो कितनी ऐसी संख्या होगी जो युवा को अटैक? हमारे पास डबल हो गया केस, जो अगर हमारे पास 25 केस आ रहे थे हमारे पास 50 केस आ रहे हैं कम से कम। और जो सब क्या डेथ की भी संख्या पैसे के मुताबिक बड़ी है कि कुछ ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, क्योंकि चूंकि अब हम टर्शियरी केयर सेंटर हो गया है, हमारे पास हर जगह पेशेंट रेफर होकर आता है, ये मान चलिए कि पूरे पश्चिम यूपी से हमारे पास पेशेंट रेफर होकर आते हैं, इमरजेंसी में भी आ रहे हैं और ओपीडी में भी दिखाने आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट जो कि लास्ट क्रिटिकल स्टेज में आ रहे हैं उनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे पेशेंट के कारण थोड़ी संख्या बढ़ जाती है। हालांकि जो पेशेंट हमारे पास प्रॉपर अटैक के आ रहे हैं उनसे कोई ऐसी संख्या बढ़ी नहीं है, सब ठीक चल रहे हैं। क्या बेहद खास ध्यान रखें सुबह शाम जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं या शाम को घूमने जा रहे हैं? देखिए, मॉर्निंग वॉक जो करते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप मास्क लगा करके बाहर निकलें, जो स्मोक करते हैं वो स्मोक बिल्कुल बंद कर दें, जो बूढ़े हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घर पे ही रहें, घर पे सारे काम मास्क पैसे हैंडल करें उनके, जो पेशेंट के शुगर कंट्रोल नहीं है या बीपी कंट्रोल नहीं है वो शुगर बीपी कंट्रोल करें, डॉक्टर को दिखाने आए, अपनी जांच करवाएं, ये बहुत जरूरी है, और खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी में थोड़ा ज़्यादा खाना खाया जाता है, ज़्यादा खाना खाने के कारण से दिक्कत बनती है, और ये भी एक मुख्य कारण होता है कि दिक्कतें बनने के खतरे रहते हैं। मुख्य संकेत क्या है? संकेत इस समय जो है पेशेंट हमारे पास जो आ रहे हैं उनमें मेन लक्षण जो मिल रहा है वो छाती का दर्द ही है, घबराहट है, पसीना है, कई मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनका सीधे बीपी गिर जा रहा है, जो सीधे शॉप पे हमारे पास आ रहे हैं 50-60 के बीपी लेकर के आ रहे हैं, या ऐसे मरीज भी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं जिनकी धड़कन काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई है, जिनकी रेट 70-80 चल रही थी वो 30-40 की रेट लेकर आ रहे हैं, ऐसे पेशेंट काफी ज्यादा संख्या में हमारे पास बढ़ के आ रहे हैं। विशाल भटनागर की रिपोर्ट।